गुड मॉर्निंग, हो गया आज का योगा सेशन। काफ़ी दिनों बाद आज योगा सेशन हुआ क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था पिछले 8-10 दिन से। तो इस बार जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो योगा सेशन हुआ नहीं कहीं पर भी, क्योंकि मौसम भी साथ नहीं दे रहा था, कहीं बारिश कहीं जंगल कहीं कुछ। तो खैर इस बार नहीं हुआ। वैसे मैं करता हूँ, पर आज करके बहुत अच्छा लगा। 8-10 दिन बाद मज़ा आया, ऐसा लग रहा है कि पूरी बॉडी रिजुविनेट हो गई है। अक्सर ऐसा होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं अपने घर को बंद करके 8-10 दिन के लिए, तो जो ये छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे कि स्पाइडर्स है, मकड़ी है, चूहा, कॉकरोचेस, इनका आतंक फैल जाता है घर के अंदर। और यही चीज़ बिल्कुल सेम हुआ है हम लोग के साथ भी। तो मकड़ियों ने बड़ा बड़ा जाले बना लिए हैं, पंखे उनके बहुत गंदे हो गए हैं, तो अभी इनकी करनी है सफाई। फर्श आप कितना भी साफ कर लो, जब तक ये कॉकरोचेस और ये स्पाइडर्स नहीं हटते हैं तब तक घर बिल्कुल गंदा ही रहता है। तो पीते हैं हॉट लेमन वाटर और करते हैं शुरू, हो जाते हैं सफाई पर। पंखे भी सब एकदम काले काले गंदे से हो गए। तो दो कमरों की सफाई कर ली है, दाढ़ी वगैरह सब बना लिया है, तैयार है। आज मुझे अपने फ़ोन को दिखाना है। मैंने बताया था अपने पहले व्लॉग में जिसमें मैं बैंगलोर पहुंचा था, तो जो मेरे फ़ोन के जो कैमरा होता है पीछे उसके ऊपर का जो ग्लास होता है वो क्रैक कर गया है, जिसकी वजह से जो फुटेज है उस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन समझ में आता है। तो अभी मुझे जाना है सर्विस सेंटर, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से, जाएंगे सर्विस सेंटर के लिए। राजवीर का सूर्य नमस्कार स्कूल में होता हुआ। मैम देखो, मैम की तरफ देखिए, सूर्य नमस्कार करते करते आदविक थक गए हैं, उनके स्कूल में आज एक्टिविटी क्लास में उनको सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है। इस कमरे का अभी सफाई बाकी है। इस कमरे में मोटे मोटे जाले लगे हैं, एक तरफ ये यहाँ लटक रहा है, ये इसको साफ करना है, और पंखा भी थोड़ा सा साफ करना है इसका, वो करेंगे कल। आज हमने दो कमरे कर लिए, इतना बहुत अब कल। तो अभी मैं गया था और अपने फ़ोन का जो ये कैमरा का ग्लास है यहाँ पे, ये चिटक गया है। तो ये पूरा ही बैक कवर इसका अब चेंज होता है। पहले इसका आता था कि सिर्फ कैमरे का कवर सिर्फ चेंज आता था, बट अभी इसका पूरा बैक कवर चेंज होगा। तो एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक हो जाए, क्योंकि अगर ये टूटा रहेगा तो इससे लेंस में डस्ट जाएगी और बेकार होता जाएगा जो पिक्चर क्वालिटी है इस कैमरे से। बन जाए वही चाहते हैं। तो सेकेंड डोज कोविशील्ड की बुक कर ली है, और अभी बस हम लोग, क्योंकि आज का ही हम लोग को अपॉइंटमेंट मिल गया है, कल का अपॉइंटमेंट था नहीं, अभी कर लिया है। बस खाना खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे कोविशील्ड सेकेंड डोज के लिए। चलो भाई, कोविशील्ड अपना बुक हो गया, सेकेंड डोज दोनों लोग साथ में करवाते हैं, बीमार मत पड़ना, ठीक है ना। पिछली बार तुम्हारे तुम्हारे हाथ में बहुत दर्द हो गया था, है ना। चलो इस बार क्या बना खाना? दाल चावल आलू करेले की सब्जी। वाह, करेला, ये करेले की सब्जी, दाल एंड राइस। तो करते हैं लंच और निकलते हैं जल्दी से, वैक्सीन लगवा के आते हैं, बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। पर वैक्सीन लग जाएगी ना तो फिर हम लोग को ट्रैवल करना आसान है, कहीं भी आना जाना कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्टेट में ट्रैवल करो, बेस्ट वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। लंच करके अभी हम लोग निकल गए, और जो हमारा सेंटर है उस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि दो भोवापुर हैं, एक भोवापुर विद वी है और एक भोवापुर विद डब्ल्यू है। तो खैर हमारा जो सेंटर है वो भोवापुर है विद वी, उसको ही डाल के अभी हम लोग चल रहे हैं। होपफुली वैक्सीन लग जानी चाहिए उस सेंटर पर। गुड, काफ़ी गांव के अंदर 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 करके आना हुआ, पर फाइनली पहुंचा है, क्योंकि गूगल चाचा तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट दिखाने के चक्कर में वो एकदम मतलब पतली पतली सड़क गलियों के अंदर घुसेड़ देते हैं। तो अभी हम लोग जो है पहुँच रहे हैं APHC भोवापुर। तो ये आ गया हमारा सेंटर, APHC भोवापुर ब्लॉक राजापुर। तो फाइनली हो गया हम लोग का वैक्सीनेशन, सेकेंड डोज का भी। दर्द होने लगा? कुछ नहीं, बस हल्का दाना, ये यहीं पे देखो लगाइए, यहाँ पे बस लग गया। आप क्या, चलो तो कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, बिल्कुल खाली, और सुकून इसी बात का है कि वैक्सीन लग गई, सेकेंड डोज भी कंप्लीट हो गया। वैक्सीन कंप्लीट हो गया, सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस बार थोड़ा सा हाथ में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है, हल्का सा खिंचाव अभी जब से करा के आए हैं। तो करते हैं थोड़ा सा आराम और देखते हैं कैसा रहता है,
इस बार कुछ फीवर आता है या नहीं आता है। तो आज है वेडनेसडे, इसका मतलब कि बुधवार। तो आज हमारे यहाँ लगती है बुध बाजार। अब जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। हो गया बुध बाजार का विजिट, ले आया सब्जी। अभी तक वैक्सीन का ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट समझ में नहीं आया है। सो फार सो गुड, एंड होपफुली आगे भी या निकल भी ऐसा कुछ नहीं होगा तो कल सुबह हमारा प्रॉपर योगा सेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।